Hello everyone. In this video, we will be going to learn about 11 steps how to clear any interview. तो यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यदि आप एक प्रोफेशनल हैं और यदि आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम में आ सकता है. और मैं ये वीडियो आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टोटल 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग मैनी इंटरव्यूज़ इन द कैंपस, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस और मे बी इन द ऑफिस, ऑन इन ऑल द मीडियम लाइक वर्चुअल मीडियम, टेलीफोनिक इंटरव्यू और इंटरव्यू ऑन ओवर अ वीडियो. सो ये सारे इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे की जाती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. 11 स्टेप, 11 तरीके जिस तरीके से कि आप किसी भी इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं. तो सबसे पहले आती है स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 इज कॉल्ड KYC, दैट इज कॉल्ड नो योर कंपनी. जब भी आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या आप उस कंपनी के बारे में जानते हैं, उस कंपनी के बारे में आपको कितनी बातें पता हैं. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस कंपनी का नाम, जैसे कि आप जानते हैं, उसके बारे में जितना हो सकता है आप नेट पर सर्च कीजिए, कंपनी की वेबसाइट जो है उसके बारे में आप जानिए. और साथ ही साथ में वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो बड़ी क्रिटिकल होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उस कंपनी को फाउंड करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है और किस ईयर में वो कंपनी फाउंड हुई है और उसके फाउंडर्स का, जब वो कंपनी फाउंड हुई थी उनका ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स या उनके मिशन या विजन विजन क्या थे. तो उसके बारे में आप जितनी जानकारी आप गैदर कर सकें वो जानकारी गैदर कर लीजिए, क्योंकि आप इंटरव्यू के समय में उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे. तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि प्री इंटरव्यू, जब आप एक्चुअल इंटरव्यू फेस करते हैं उसके पहले आपको प्रिपेयर करना होती है. कुछ होती हैं कि जो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, और कुछ होती हैं पोस्ट इंटरव्यू. तो इन तीनों चीज़ों में प्री इंटरव्यू में उस कंपनी के बारे में नो योर कंपनी, जितना आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कर लीजिए. दूसरे स्टेप के बारे में हम बात करते हैं कि अपने आपको ऑर्गेनाइज कैसे करना है. बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उनके पास में उनका रिज्यूमे ठीक से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज नहीं होता, उनकी जो फाइलिंग है सर्टिफिकेट्स की, जो भी उनके एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है कि कोई सा सर्टिफिकेट कहीं है, कोई सा सर्टिफिकेट कहीं है. तो इस तरीके से अनऑर्गेनाइज तरीके से मत जाइए. व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू, कीप योरसेल्फ इन अ वेरी ऑर्गेनाइज मैनर. जिससे फॉर एग्जाम्पल यदि आपको अपने सर्टिफिकेट्स को ठीक तरीके से जमाना है तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे होना चाहिए. एंड ऑलवेज कीप 2 to 3 कॉपीज ऑफ योर रिज्यूमे, क्योंकि आपके सामने जब इंटरव्यू पैनल होता है तो उसमें 2 से 3 लोग होते हैं, ताकि सभी को आप अपना इंटरव्यू के समय में रिज्यूमे हैंड ओवर कर पाएँ. एंड रिज्यूमे शुड नॉट बी मोर देन 2 pages, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं. लेकिन आपके बारे में जो भी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो अभी लेटेस्ट जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो भी क्लास आपने कम्प्लीट करी है वहाँ से शुरू करिए. एंड देन पास क्वालिफिकेशन एंड द सर्टिफिकेशन जो हैं वो वहाँ पर आप उसको उस तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए. साथ ही साथ में अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में यदि आप इन्वॉल्व हैं, यदि आपने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया है, तो उसके बारे में हाईलाइट करना ना भूलें. अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ योर रिज्यूमे. योर रिज्यूमे इज एक्चुअली योर इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू पैनलिस्ट. तो उनके सामने जब आप रिज्यूमे रखते हैं तो रिज्यूमे आपका कभी भी 2 पेज से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. हमेशा जो इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं आपके क्लासेस के या आपके एकेडमिक्स के या आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के, उसको आप ठीक तरीके से हाईलाइट कीजिए. और रिज्यूमे को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए. कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं रिज्यूमे के बारे में, उसको मेंशन करना कभी मत भूलिए. फॉर एग्जांपल उस आपके रिज्यूमे के ऊपर हमेशा आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर और आपका पोस्टल एड्रेस हमेशा होना चाहिए. तो डू नॉट मिस दिस इन्फॉर्मेशन इन योर रिज्यूमे टू मेंशन एनीवेयर. तो इसको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए. और नीचे लास्ट में जहाँ पर आपकी डेट और आपका सिग्नेचर होता है वहाँ आपके सिग्नेचर करना और डेट लिखना मत भूलिए, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस समय की. तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर रिज्यूमे. और जो स्टेप नंबर 4 है, दैट इज कॉल्ड प्रिपेयर योरसेल्फ. जब आप बात करते हैं प्रिपेयर योरसेल्फ की, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू प्रिपेयर, प्रिपेयर योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर अटायर, इन टर्म्स ऑफ योर शर्ट एंड पैंट. हमेशा 2 से 3 सेट आपके शर्ट और पैंट के आपके पास में होना चाहिए. जब भी आप कभी भी किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, आपकी शर्ट का कलर हमेशा लाइट कलर का होना चाहिए, पैंट हमेशा डार्क कलर की होना चाहिए और आपकी टाई का कॉम्बिनेशन उसी तरीके से होना चाहिए. अवॉइड वियरिंग यू नो दैट फ्लोरोसेंट कलर ऑफ टाई. और कभी भी
during you know your personal you know preparation, do not forget to keep smile on your face. जितना आप जब स्माइल करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं, और जितने आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं इंटरव्यूअर्स के ऊपर उतना पॉजिटिव इंप्रेशन आप डाल पाते हैं. स्पेशली फॉर लेडीज़, अवॉइड यू नो यूजिंग दिस फ्लोरोसेंट कलर इन द लिपस्टिक एंड द नेल पॉलिश एंड एक्स्ट्रा ज्वेलरी वियरिंग एंड देन अपियरिंग फॉर द फॉरेन इंटरव्यू. तो हमेशा इन चीज़ों को अवॉइड करना है, एंड हमेशा स्माइल के साथ में आप आंसर कीजिए जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट होते हैं. एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नंबर 5, दैट इज़ कॉल्ड नो योर इंटरव्यूअर. तो जब भी आप किसी कंपनी के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं कि आप इस कंपनी के का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो हमेशा आपको पता होता है कि उसमें एचआर मैनेजर आने वाले होते हैं, सेल्स मैनेजर आने वाले होते हैं या मार्केटिंग मैनेजर आने वाले होते हैं, तो उनकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसके बारे में जितना आप चेक करके जाएंगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको उनके बारे में होगी. तो सोशल मीडिया प्रोफाइल डजंट मीन्स दैट फेसबुक प्रोफाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन और ट्विटर. तो देखिए कि उनके बीच में बेसिकली वो इस कंपनी के साथ में कितने सालों से एसोसिएटेड हैं, वो इससे पहले किसी और कंपनी में थे, हो सकता है उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन उसी कॉलेज से किया हो जिस कॉलेज से आपने किया है, एंड व्हाट आर द म्यूचुअल कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर इंटरव्यूअर. तो जब आप इसके बारे में प्रिपेयर होकर के जाते हैं तो आप ठीक तरीके से उनको जान पाते हैं, और आपको आप बड़े कॉन्फिडेंटली उनके सवालों का जवाब दे पाते हैं. देन उसके बारे में आता है कि दैट बहुत सारे इंटरव्यूअर सवाल करते हैं आपसे कि ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो जब आपको अपने बारे में बोलना होता है तो कुछ इन्फॉर्मेशंस अपने बारे में हमेशा बोलिए. उनके सवाल पूछने का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये जानना नहीं होता कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं. दे वुड लाइक टू सी योर टू इंपॉर्टेंट स्किल्स. वन इज़ कॉल्ड योर प्रेजेंटेशन एबिलिटी, सेकेंड वन इज़ कॉल्ड योर कम्युनिकेशन एबिलिटी, दैट हाउ गुड यू आर इन टू द कम्युनिकेशन. सो इसके लिए उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है. तो हमेशा जब भी आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो उसके पहले जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने बारे में जब आप बात करते हैं, तो इस ब्रीफ एक ब्रीफ पैराग्राफ तैयार कीजिए. उस ब्रीफ पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, और जब आप उसको प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे. हमेशा उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करके जाइए कि आप 3 बार 4 बार जो अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आप बोलना चाहते हैं उसको बार बार रिपीट कीजिए. शीशे के सामने आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, और यदि आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स प्रॉपर नहीं है इन दैट पैराग्राफ और इन दैट प्रेजेंटेशन, तो उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट कीजिए ताकि आपका इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो. अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप नंबर 7, दैट नो अबाउट दैट कंपनी. जब भी इंटरव्यूअर होता है तो वो इंटरव्यूअर आपसे अपनी कंपनी के बारे में जानना चाहता है, दैट बिकॉज ही वुड लाइक टू सी दैट हाउ प्रिपेयर यू आर, कि आप इस जॉब के बारे में कितने सीरियस हैं. तो उस कंपनी के बारे में एक ब्रीफ आप आपका एक छोटा सा पैराग्राफ तैयार कीजिए. उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जब आप आंसर करते हैं तो आप उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं. तो मुझे याद आती है जब मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन किया करता था, या अभी भी मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैं अपने बारे में या उस कंपनी के बारे में छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमेशा बना करके जाता हूँ, और उसको हमेशा अपने हाथ में एक छोटी सी स्लिप बना के रखता हूँ कि दीज आर द पॉइंट्स आई शुड नॉट फॉरगेट व्हाइल आई एम अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू. तो हमेशा इन पॉइंट्स को अपने सामने रखिए, बिकॉज ये वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट अपने आप को कर पाते हैं, एंड योर इंटरव्यूअर वुड लाइक टू सी दैट हाउ डिफरेंट यू आर एज कम्पेयर टू द अदर ग्रुप ऑफ द मेंबर्स, दोज हु आर देयर और द कैंडिडेट दोज हु आर देयर फॉर एन इंटरव्यू. उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस. सो द पॉइंट नंबर 8 इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो जो भी आपने स्कूल के टाइम में या आपने कॉलेज के टाइम में जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए हैं, कुछ टीम के आप कैप्टन हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अपना जो है स्ट्रेंथ में मेंशन कीजिए. और उसके साथ साथ यदि मान लीजिए कभी ऐसा कुछ हुआ है, कभी बिकॉज ऑफ दैट इमोशन यू हैव टेकन रॉन्ग डिसीजन और समथिंग, तो ऑलवेज मेंशन दैट एज अ वीकनेस. मेनी पीपल जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी वीकनेस के बारे में बताइए, तो वो बोलते हैं सर आई डोंट हैव एनी वीकनेस. उनको लगता है कि यदि मैं वीकनेस के बारे में बताऊंगा तो हो सकता है कि मेरे को इंटरव्यूअर जो है नेगेटिव मार्क्स दें. तो ऐसा नहीं होता है. तो आपके बारे में सबके बारे में सब हर व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं. आपके सामने यदि इंटरव्यूअर यदि बैठे हुए हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ वीकनेस होगी ज़रूर. अब इसके बारे में जो पॉइंट नंबर 9 है, दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूअर पूछते हैं कि ओके व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट स्पेशली फॉर दिस पोजीशन. तो उसमें आपको अपने आप को सब्सटेंशिएट करना आना चाहिए कि व्हाई यू वुड लाइक टू सी फॉर दिस पोजीशन. तो मे बी योर ऑब्जेक्टिव्स, मे बी योर लॉन्ग टर्म विजन, और मेनी पीपल विल आस्क यू अ क्वेश्चन ओके टेल मी अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल्स.
तो आप उसी डायरेक्शन में अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, जो भी आप बात करने वाले हैं यू कैन से सर आई थिंक दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर मी टू फुलफिल माय ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ जनरल मैनेजर और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंपनी। सर विद इन 5 years आई सी माई सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट इफ आई विल वर्क विद माई फुल पैशन एंड आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ इज अ वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन। आई एम श्योर आई विल बी केपेबल इनफ टू लर्न मोर with the culture and the conducive environment of a company and I can reach to the position of a vice president। तो इस तरीके से जब आप आंसर करते हैं, कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं, तो आपके इंटरव्यूअर को आप इम्प्रेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, कि बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू के टाइम पे जब एक्चुअल इंटरव्यू में होते हैं तो बड़े घबरा से जाते हैं, तो आपको करना क्या है? जब भी आप किसी भी इंटरव्यूअर के सवाल का जवाब दें, आंसर करें, तो हमेशा डीप ब्रीथ कीजिए और हो सकता है तो पानी का गिलास लीजिए और पानी सिप कीजिए, हैव अ वाटर, बिकॉज ये दोनों चीज़ें करने से आप मेंटली काम होते हैं और आपका ब्रेन जो होता है उसको उस समय थिंकिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की और पानी की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों चीज़ें करने से आप ठीक तरीके से सोच पाते हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो है शार्प होती है, और जब आप ठीक तरीके से सोच पाते हैं आप अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। सो व्हाई डू वी सिलेक्ट यू, share about your achievements, share about that why you think that you are the most suitable candidate for this position। और जो point number 11 है कि how to stay positive in front of the interviewers, तो हमेशा कुछ चीज़ें यदि आप करते हैं तो आप बहुत confident दिखाई देते हैं। For example, यदि मान लीजिए interview panel में 3 लोग बैठे हैं और यदि मान लीजिए किसी एक ने आपसे आंसर क्वेश्चन पूछा है और आप उसको आंसर कर रहे हैं, तो डू नॉट लुक टुवर्ड्स दैट पर्सन ओनली, लुक टुवर्ड्स अमंग्स अदर्स पैनलिस्ट ऑल्सो। और जब भी आप उनके सवालों का जवाब करते हैं तो ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। तो जब आप स्माइल करते हैं तो आप पॉजिटिविटी रेडिएट करते हैं और पॉजिटिविटी रेडिएट करने के साथ साथ आप एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। And everyone, every interviewer would like to have confident people in the company। तो हमेशा याद रखिए इन चीज़ों का, और साथ ही साथ में एक बहुत important चीज़ है वो हमेशा कभी नहीं भूलना है, that is smile on your face। तो हमेशा smiling face रख करके जाइए and look confident in front of the interviewer। I hope that you are watching this and this will be very helpful for you। तो जब भी आप किसी interview की preparation के लिए जाते हैं तो इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। ये सारे 11 पॉइंट्स के बारे में यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच मोर वीडियोज एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जब भी आपने पिछली बार इंटरव्यू फेस किया है या आप इंटरव्यू फेस करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा।